श्री भद्र पूर्णिमा इस दिवस के बारे में हम अभी अभी सुन चुके हैं। इस महीने के 25 तारीख को है। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंध में ऐसे बताया जाता है कि जो व्यक्ति इस श्रीमद् भागवत का दान किसी को करता है भद्र पूर्णिमा की तिथि पर, उसे वैकुंठ जगत प्राप्त हो जाता है। तो आप में से कितने भक्तों को वैकुंठ जगत में जाना है, तो इस दिवस का अवश्य आप लाभ उठाएं। तो इस भद्र पूर्णिमा की तिथि के उपलक्ष्य में ये 7 दिवसीय कृष्ण कथा का कार्यक्रम या अनुष्ठान आयोजित किया गया है यहाँ श्री श्री राधा रास बिहारी मंदिर में। इसमें आप सबका हार्दिक स्वागत है। कृष्ण कथा के कई अर्थ होते हैं। कृष्ण शब्द का तात्पर्य क्या है? श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। इस श्लोक में उत्तमा भक्ति, श्रेष्ठ भक्ति की परिभाषा वो देते हैं और इस श्लोक में कहते हैं कि जब अनुकूल भाव से कर्म और ज्ञान रहित श्री कृष्ण की सेवा की जाती है तो इसे उत्तम भक्ति कहते हैं या उत्तमा भक्ति। परंतु श्री कृष्ण अर्थात कौन? तो क्या केवल वृंदावन के कृष्ण? क्या श्री रामचंद्र नहीं? क्या श्री नरसिंहदेव भगवान नहीं? तो इस बात का स्पष्टीकरण करने के लिए, ताकि आगे चल के लोगों के मन में कोई गलत फहमियां न हो, श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि श्री कृष्ण का अर्थ है न केवल श्री कृष्ण, परंतु श्री कृष्ण के विभिन्न अवतार, उनके विभिन्न अनगिनत विस्तार। और इतना ही नहीं, श्री कृष्ण के भक्त और यहां तक कि जो भी वस्तुएं, व्यक्ति, स्थान आदि श्री कृष्ण से संबंधित हैं, वो भी कृष्ण शब्द के अंतर्गत आते हैं। दूसरे शब्दों में, जब कृष्ण के भक्तों की हम सेवा करते हैं तो वो भी कृष्ण भक्ति कहलाती है। जब हम तुलसी महारानी की सेवा करते हैं तो वो भी कृष्ण भक्ति के अंतर्गत आता है। तो कृष्ण भक्ति या कृष्ण कथा के भीतर कृष्ण भक्तों की चर्चा करना ये भी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कृष्ण भक्ति में भक्त होने चाहिए, भगवान तो हैं ही, साथ साथ भगवान के भक्त भी तो होने चाहिए। भक्तों के बीच में क्या संबंध है, भगवान और भक्तों के बीच में क्या संबंध है, ये सब चर्चा के विषय हैं हमारे लिए। तो ये सारे विषय जो हैं, ये कृष्ण कथा माने जाते हैं। विशेष रूप से यहां श्रीमद् भागवत में कृष्ण कथा बहुत ही अपने शुद्ध रूप में पाई जाती है। अन्य जगह हम कृष्ण कथा अवश्य पाते हैं, जैसे महाभारत में, परंतु महाभारत में ऐसे इतने और प्रसंग हैं, इतने और बड़े बड़े व्यक्तियों की व्याख्या हुई है, वर्णन हुआ है, कि यदि कोई व्यक्ति प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में न आके अपने मानसिक तर्क के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार महाभारत को समझने का प्रयास करे तो वो श्री कृष्ण के भगवत्ता को शायद उतनी अच्छी तरह से नहीं जान पाएगा, श्री कृष्ण के विशेष स्थान को नहीं पहचान पाएगा और ये भी नहीं जान पाएगा कि कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम प्राप्त करना ही
ये एकमात्र जीवन का उद्देश्य है। परंतु श्रीमद् भागवत में ऐसी कोई समस्या नहीं है। प्रारंभ से लेकर अंत तक कृष्ण ही कृष्ण है, इसलिए कृष्ण कथा के लिए ये ग्रंथ बहुत ही उपयुक्त है, सर्वश्रेष्ठ है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि दो प्रकार के कृष्ण कथा होते हैं। एक वो कथा जो कृष्ण द्वारा की जाती है, यथा भगवद गीता, और दूसरी वो कथा जो कृष्ण के बारे में की जाती है उनके भक्तों के द्वारा, और ये है श्रीमद् भागवतम। तो आज यहां आप सबके बीच में श्री राधा रास बिहारी मंदिर के पावन भूमि में श्रीमद् भागवतम से कुछ कृष्ण कथा करने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है। ये मेरे लिए बहुत ही एक सौभाग्य की बात है, और यहाँ जितने भी वैष्णव आज उपस्थित हैं, आपसे हम प्रार्थना करेंगे कि आप कृपया आशीर्वाद प्रदान करें कि कुछ अच्छे शब्द हमारे मुख से निकल सकें। यहाँ साहस किया है हमने इस उच्च आसन पर बैठने के लिए, जिसे व्यास आसन कहते हैं। व्यास देव जी का आसन है ये, तो यहाँ इस आसन पर बैठने के लिए व्यक्ति को बहुत सोचना पड़ता है। योग्यता अवश्य हमारी नहीं है, परंतु भक्तों के आदेशों का पालन करते हुए यहाँ बैठने का साहस आप सबके बीच में कर रहे हैं। जब हम कृष्ण कथा की बात करते हैं, तो श्रीमद् भागवत में हम देखते हैं कि ये कथा संवादों के द्वारा हम तक पहुंचाई जाती है। यदि संवाद नहीं होते, वार्तालाप नहीं होते, तो ये ज्ञान हम तक कैसे पहुंचता? हमारे जीवन में संवाद ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। वार्तालाप या संवाद के बिना हम रह नहीं सकते। आजकल संवाद शब्द का अर्थ कुछ साधारण माना जाता है। वैसे साधारण बोली में यदि हम संवाद की बात करते हैं, तो इसका मतलब है एक साधारण वार्तालाप। जब दो व्यक्ति बातचीत कर रहे होते हैं तो कहते हैं ये संवाद चल रहा है, या कोई पत्रिका है, कोई समाचार पत्र है, तो उनका कोई कर्मचारी कहीं से कुछ खबर भेज रहा है, तो कहते हैं हमारे संवाददाता द्वारा खबर दी गई है। परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो संवाद शब्द का बहुत गहरा अर्थ है, सम्यक वाद। वाद वाद के भी कई शब्द होते, कई अर्थ होते हैं, परंतु वो वार्तालाप जो सम्यक हो, परिपूर्ण हो, जो आदर्श हो, सबके हित के लिए हो, वो वाद, वो चर्चा, वो वार्तालाप वास्तव में संवाद है। तो ऐसे श्रीमद् भागवत में और अन्य वैष्णव ग्रंथों में भी, बल्कि सारा जो वैदिक साहित्य है, ये संवाद ही संवाद है। उपनिषदों को खोल के देखिए, एक कोई ऋषि है, वो अपने शिष्य के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। आप पुराणों को देखिए, एक बड़े संत किसी दूसरे राज ऋषि हो या दूसरे संत के प्रश्नों का उत्तर दे रहे होते हैं। भगवद गीता को देखिए, अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। और ये संपूर्ण श्रीमद् भागवत को देखिए, नैमिषारण्य में एकत्र हुए ऋषिगणों ने सुखदेव सूत गोस्वामी से प्रश्न किए, सूत गोस्वामी ने उन्हें उत्तर दिए। सूत गोस्वामी उस स्थान में भी बैठे हुए थे जहां के सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर दिया था। और जब सुखदेव गोस्वामी प्रवचन करते हैं,
और परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं तो सुखदेव महाराज अक्सर किसी ऐसे पूर्व प्रश्नोत्तर का उल्लेख करते हैं जिसमें उन प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। अपने मनमाने ढंग से सुखदेव गोस्वामी कभी भी कोई बात नहीं करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक अदालत में कोई वकील न्यायाधीश के सामने कुछ बात अपनी रख रहा है, वो अपने मनमाने ढंग से कुछ कह नहीं सकता। कानून के कोई अधिकृत ग्रंथ होते हैं और उन्हीं से वकील को बात करना है। एक प्रवचन में प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि वकील न्यायाधीश के सामने कहे कि कृपया आप इन कानून के ग्रंथों को मत पढ़िए, मैंने अपने ग्रंथ बनाए हैं कानून के, आप इनको पढ़िए और फिर कोई आप निर्णय दीजिए कि ये गुनहगार है या नहीं है, तो न्यायाधीश तो इस बात को नहीं मानेंगे। वो तो कहेंगे जो सरकार ने कानून बनाया है उसी को हम मानेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान का जो कानून है, भगवान के जो ग्रंथ हैं, ये अधिकृत कानून है। तो किसी भी प्रश्न का उत्तर हमें देना है तो कोई प्रमाण हमें रखना चाहिए जो कि वैदिक शास्त्रों से है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने और अनेक प्राचीन काल में हुए जो संवाद थे बड़े बड़े ऋषियों के बीच में, उनको परीक्षित महाराज के सामने रखा। वैसे देखिए हमारे मन में कितने सारे प्रश्न आते हैं दिन में, है ना? परंतु कितने सारे प्रश्न हैं जो कि वास्तव में महत्वपूर्ण हैं और पूछने लायक हैं। प्रश्नों की कोई कमी नहीं है, परंतु ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो हमें करने चाहिए या जो करने योग्य हैं? श्रोतव्यादि निराजेंद्र ऋणाम संति सहस्रशः अपश्यतामात्म तत्वं गृहेषु गृहमेधिनाम। भागवत में सुखदेव गोस्वामी कह ही चुके हैं कि कितने सारे ऐसे विषय हैं संसारी लोगों के लिए, चर्चा करने के लिए, श्रवण करने के लिए, स्मरण करने के लिए सहस्रशः हजारों ऐसे विषय हैं। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसे विषयों का भगवान कृष्ण से कोई संबंध नहीं है, हमारे जीवन के वास्तविक हित से कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये सब व्यर्थ हैं, समय की बर्बादी है और कुछ नहीं है। परंतु जो प्रश्न भगवान श्री कृष्ण के संबंध में की जाती हैं वो वास्तव में लाभदायक हैं। यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो येन आत्मा सुप्रसीदति। सूत गोस्वामी कहते हैं कि हे मुनिगण, आपने जो प्रश्न किए हैं वो बड़े उत्तम हैं। मुनयः साधु पृष्टो हम भवद्भिर् लोकमंगलम्। आपने जो प्रश्न किए हैं वो बहुत ही बढ़िया हैं, बहुत ही उत्तम हैं, क्योंकि वो श्री कृष्ण से संबंधित हैं और समस्त जगत के हित के लिए है। तो ऐसे प्रश्न और ऐसे ही उत्तर हम श्रीमद् भागवत में पाएंगे। और क्योंकि श्री कृष्ण से संबंधित हैं और क्योंकि श्री कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति हैं, अमृत के मूर्ति हैं, तो उनके संबंध में जितने भी विषय हैं, जो भी वार्तालाप, जो भी संवाद होते हैं, वो भी अमृत से भरे हुए होते हैं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर अहो रसिका भुवि भावुकाः। श्रीमद् भागवत के तीसरे ही श्लोक में ये बताया जाता है कि ये श्रीमद् भागवतम कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, कोई साधारण वैदिक ग्रंथ भी नहीं है। यदि वैदिक शास्त्रों की तुलना एक वृक्ष से की जाए तो ये श्रीमद् भागवतम उस वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है,
जो बहुत ही मीठा है, गलितम फलम। और जब सुखदेव गोस्वामी इसको चखते हैं तो ये फल और भी मीठा हो जाता है। शुक अर्थात एक तोता। ऐसे कहा जाता है कि जब एक तोता किसी फल को चखता है तो वो फल और भी मीठा हो जाता है। तो जब सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत को कहते हैं, उन्होंने अपने पिता और गुरु व्यासदेव से श्रीमद् भागवत सुन ली, और सुनने के बाद राजा परीक्षित के सामने उन्होंने ये कथा कह दी, तो वो कथा और भी मीठी और भी मधुर हो गई। शुक मुखार अमृत द्रव संभूतम, बिल्कुल उपयुक्त है ये निगलने के लिए, परंतु इसे हम मुख से नहीं निगलेंगे, हमारे कर्णों से, हमारे कानों से निगलेंगे, कानों से पिएंगे इस अमृत के धारा को। पिबत भागवतम रसम, तो पियो हे रसिक जनों, ऐसे कहा गया है श्रीमद् भागवत में, हे रसिक जनों इस भागवत के रस का पान करो। कितना करो? एक बार, दो बार, मोह हो, हमेशा करते रहो, सदैव करते रहो, बार बार करते रहो। सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम इष्यते, तद रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्यात्रतिः क्वचित्। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंध में भी बताया गया है कि ये श्रीमद् भागवतम समस्त वेदांत, वैदिक शास्त्रों के वेदांत का सार है। श्री भागवतम इष्यते तद रस अमृत तृप्तस्य, तद रसामृत तृप्तस्य का अर्थ ये है कि जिस व्यक्ति ने इस श्रीमद् भागवत के अमृत का स्वाद लिया है, न अन्यत्र स्यात् रतिः क्वचित्, उसे अन्य किसी ग्रंथ में रुचि कैसे उत्पन्न हो सकती है? यह संभव नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी कई बार बताया करते थे कि कृष्ण कथा एक ऐसे मीठे वस्तु के बराबर है, या समझ लीजिए कोई गुलाब जामुन हो, रसगुल्ला हो, आप जहां से उसे चखेंगे वो मीठा ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि गुलाब जामुन को इस तरफ से आप चखें तो मीठा लगेगा, उस तरफ से चखें तो कड़वा लगेगा, ऐसे नहीं है। ठीक उसी तरह श्रीमद् भागवत भी शुरुआत से अंत तक मीठा ही मीठा है। फिर भी आप देखेंगे कि गुलाब जामुन के बीच में जब जाएंगे वह रस कुछ और होता है। उसी तरह से यद्यपि श्रीमद् भागवत में अमृत भरा हुआ है, फिर भी थोड़ी ऐसी चीजें हैं जो ज्यादा सुनने की इच्छा होती है। यद्यपि हमें सब कुछ सुनना चाहिए, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अपनी टीकाओं में कि हमें भगवान श्री कृष्ण की सृष्टि लीला, जिसका वर्णन यह भागवत में है, वो सुनने के लिए उतना ही उत्सुक होना चाहिए जितना कि रास लीला सुनने के लिए। तो प्रभुपाद जी कई बार टीका करते थे उन भागवत कथाकारों की जो सीधे दशम स्कंद में और रास लीला तक पहुंच जाते हैं, और अपने श्रोताओं को कभी भागवत के अन्य प्रसंगों का वर्णन नहीं करते हैं, या करते भी हैं तो कुछ दार्शनिक उपदेश नहीं देते हैं, वो केवल एक मनोरंजन का अनुष्ठान हो जाता है और वो कोई स्वार्थ के लिए करते हैं। पर प्रभुपाद जी चाहते थे कि श्रीमद् भागवत का कथन और श्रवण केवल भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए। हमने सोचा कि आने वाले 7 दिनों में, आज और आने वाले 6 दिनों में, हम श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंद के एक महत्वपूर्ण संवाद की चर्चा आपके बीच में हम करें। वो है विदुर और उद्धव का संवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद है ये, क्योंकि इसमें दो महान
भक्त दो महाभागवत चर्चा कर रहे हैं। साधारण जो संवाद होता है, संवाद से हम क्या सीख सकते हैं, हमारे हित के लिए कैसे हो, ब्रजवासियों के कृष्ण प्रेम को जानने के लिए, ताकि उद्धव जान ले कि ब्रजवासियों की भक्ति की अवस्था क्या है और उद्धव के द्वारा वो सारी दुनिया को प्रकाशित करना चाहते थे, घोषणा करना चाहते थे कि ब्रजवासियों का कृष्ण प्रेम कितना उत्कृष्ट श्रेणी का है। तो उन्होंने उद्धव को चुना क्योंकि सबसे योग्य व्यक्ति उद्धव थे, जो कि मथुरा से जा सकते थे ब्रजवासियों को देखने के लिए, उनके भक्ति को समझने के लिए। वैसे कृष्ण लीला में वो श्री कृष्ण के सहायक भी हैं, उनके उपदेशक भी हैं, अनेकों बार श्री कृष्ण उनसे सलाह पूछते थे, कह रहे उद्धव अभी हमारे सामने ये समस्या है, अब क्या किया जाए जरा बताओ तो सही। फिर उद्धव सोच के बताते थे, हे कृष्ण मेरी राय तो इस प्रकार से है, और श्री कृष्ण मान लेते थे। जब शालव ने आक्रमण किया द्वारका के ऊपर तो श्री कृष्ण वहां पर नहीं थे, तो उस समय उद्धव ने द्वारका की रक्षा की, और अंत में जब तिरुभाव लीला प्रकाशित करना चाहते थे श्री कृष्ण, उस समय अंतिम उपदेश भगवान ने उद्धव को दिए, उद्धव गीता लगभग 23 अध्याय 11वें स्कंध के। तो कितने महान भक्त उद्धव हैं, और उनकी प्रशंसा तो आने वाले श्लोकों में हम शुकदेव गोस्वामी के मुखारविंद से तो सुनने ही वाले हैं। उधर रहे विदुर जी, विदुर जी भी कोई साधारण भक्त नहीं थे, दुर्योधन के भोग को छोड़कर प्रेम पुजारी श्री कृष्ण विदुर जी के घर में गए, ये तो हम जानते हैं अच्छी तरह से। तो विदुर जी बहुत ही एक सम्माननीय व्यक्ति थे कुरुवंश में। श्री कृष्ण के बाद में पांडव वो विदुर के पास जाते थे और भीष्म के पास जाते थे। द्रोणाचार्य अर्थात उनके धनुर्वेद में आदि शिक्षक रहे, उनके गुरु रहे, परंतु जहां तक सम्मान की बात आती थी और सलाह लेने की बात आती थी वो भीष्म और द्रोण के पास जाते थे, बल्कि भीष्म से अधिक वो विदुर जी के पास जाते थे, क्योंकि भीष्म देव यद्यपि हितैषी थे, शुभचिंतक थे पांडवों के, फिर भी नमक पांडवों का चख रहे थे, क्षमा कीजिए कौरवों का चख रहे थे, इसलिए ऋणी थे और वचनबद्ध थे। भीष्म ने वचन लिया था कि मैं राजगद्दी की रक्षा करूंगा, चाहे जो भी बैठे वहां पर, इस समय दुर्योधन है, धृतराष्ट्र है, तो इनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। कितनी कठिन परिस्थिति हुई होगी भीष्म देव की, वो जानते थे कि धृतराष्ट्र गलत है, कौरव गलत काम कर रहे हैं, दुर्योधन दुष्ट है, अनेकों बार भीष्म देव ने दुर्योधन को धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास किया, फिर भी असफल रहे, परंतु उनके हाथ बंधे हुए थे, परंतु विदुर के हाथ बंधे हुए नहीं थे, वो तो धृतराष्ट्र के भाई थे, पांडु के भाई थे, इसलिए वो खुल के बात कर सकते थे, और क्योंकि वो भी दुर्योधन के हितैषी थे, कभी कभी ऐसे कटु वचन बोल देते थे कि जैसे आगे चल के हम देखने वाले हैं, दुर्योधन बहुत ही क्रोधित हो जाता था। पहले से ही विदुर पांडवों के लिए बहुत ही प्रिय थे। जब पांडु राजा ने अपने देह को त्याग दिया तो विदुर थे जो उनको वापस लेकर आए, उनको संभाला, फिर भीष्म देव ने भी सारी व्यवस्था राजकुमारों के लिए पांडवों के लिए कर दी, और उसके बाद बहुत गौर से बहुत ध्यान से विदुर जी देखते थे कि कौरवों और पांडवों के बीच में क्या चल रहा है,
कौरवों के कार्यकलाप कैसे हैं, पांडवों के कैसे हैं, क्योंकि वो जानते थे कि ये कौरव विशेष रूप से दुर्योधन और दुशासन ये दुष्ट प्रवृत्ति के हैं। तो विदुर जी हमेशा नजर रखते थे उनके ऊपर कि अब क्या कर रहे हैं। वो जानते थे कि दुशासन और दुर्योधन के हृदय में पांडवों के प्रति बहुत ही द्वेष था। कहीं न कहीं कोई न कोई षड्यंत्र अवश्य रचाने में वो लगे रहते थे, परंतु विदुर ने उनकी रक्षा की अनेकों बार। चुपके से जाके पांडवों को इशारे के द्वारा या किसी भी माध्यम से उनको अवगत कराते थे कि देखो अब खतरा है, संभल के रहना। और जैसे आगे चल के हम देखने वाले हैं, उन्होंने रक्षा भी की पांडवों की। वैसे उनके जन्म का इतिहास भी काफी सुनने योग्य है। महाभारत में इसका वर्णन है, श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसका वर्णन करते हैं एक श्लोक के, कि एक मुनि थे जिनका नाम था मांडव्य मुनि। एक बार वो अपने आश्रम में बैठे हुए ध्यान में स्थित थे, अचानक थोड़े चोर उस आश्रम से गुजर के जा रहे थे, राजा के सिपाही उनका पीछा कर रहे थे। तो जो भी चोरी करके माल लाए थे वो ऋषि के पास रख के वहां से भाग गए। तो सिपाही दौड़ते हुए पीछा करते हुए आ गए, उन्होंने उन चोरों को तो पकड़ लिया परंतु साथ साथ मांडव्य मुनि को भी पकड़ लिया और सूली पे चढ़ाया। तो जो चोर थे उनकी तो मृत्यु हो गई, परंतु मांडव्य मुनि की मृत्यु नहीं हुई। राजा वहां पर जल्दी से चले आए और उन्होंने आदेश दिया कि अब सूली से उतारा जाए मांडव्य मुनि को। मांडव्य मुनि के मन में राजा के प्रति कोई क्रोध नहीं आया, उनके मन में क्रोध आया यमराज के प्रति। सीधे गए यमराज के पास कि यमराज जी ऐसे ऐसी घटना हुई है, इसके पीछे क्या कारण है, मुझे बताइए कि मुझे सूली पे क्यों चढ़ाया गया। तो यमराज जी ने अपने खाते को देखा, अरे हाँ जब आप बच्चे थे तो उस समय आपने किसी कांटे के द्वारा कोई छोटे से कीटाणु जो होते हैं उनकी मृत्यु की थी, उनको मार डाला था आपने जान से। इसलिए जिस तरह से आपने उन छोटे छोटे प्राणियों की हत्या की थी, आपको भी ऐसे ही कर्म का फल मिला कि आपको सूली पे चढ़ना था। तो मांडव्य मुनि ने कहा कि आप तो धर्मराज हैं, आपको जानना चाहिए कि मनु के नियमों में ऐसे बताया गया है कि जो बालक होता है उसके जो अपराध होते हैं, जो दोष होते हैं, वो गिने नहीं जाते हैं, उन कर्मों का फल उसे नहीं मिलना चाहिए, वो पाप नहीं कहलाता है। लेकिन आपने मुझे इस तरह से दंडित किया है जो योग्य नहीं है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि आपको एक शूद्र के गर्भ से जन्म लेना होगा। और फिर वैसे ही हुआ और यमराज जी प्रकट हुए विदुर के रूप में। व्यासदेव जी उनके पिता थे और विचित्र वीर के दो पत्नियां अंबिका अंबालिका उनकी जो एक दासी थी उनके गर्भ से विदुर का जन्म हुआ। राजगद्दी पर बैठने का अधिकार तो विदुर का नहीं था। जब तक पिता क्षत्रिय नहीं होता है, राजा नहीं होता है, तब तक ये संभव नहीं है। परंतु जो भी प्रशिक्षण राजकुमारों को मिलता था वो विदुर को भी मिला। तो धनुर्विद्या में विदुर बहुत ही प्रवीण हो गए, साथ साथ में बहुत ही बड़े विद्वान भी हो गए। विदुर जी विशाल बुद्धि के थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, न केवल धार्मिक ग्रंथों का परंतु संसारी ज्ञान भी उनको परिपूर्ण था। कौन से परिस्थिति में किस तरह से कार्य करना चाहिए ये इससे भली भांति वो अवगत थे।
इसलिए न केवल पांडव परंतु धृतराष्ट्र भी उनसे सलाह मांगते थे। और आगे चल के हम देखेंगे किस तरह की सलाह विदुर जी देते थे। वो निष्पक्ष थे, फिर भी जैसे जैसे समय बीतता गया और कौरवों के दुष्टता को देखने लगे वो, और पांडवों के बारे में जब उन्होंने देखा ये लोग कितने धर्म परायण है, कितने सज्जन है ये लोग, तो उनके हृदय में पांडवों के लिए एक कोमल स्थान बन गया। तो धीरे धीरे से ऐसे लोग जानने लगे कि विदुर जी पांडवों के पक्ष में है। परंतु फिर भी ये विदुर जी के लिए कोई दोष नहीं था। क्यों नहीं? क्योंकि प्रजा जानती थी कि पांडव जो हैं ये धार्मिक हैं, ये सही हैं, बहुत सज्जन हैं, और ये दुर्योधन आदि ये तो दुर्जन है, सज्जन नहीं है, दुष्ट है। साथ साथ में विदुर जी जो भी करते थे सोम वंश की रक्षा के लिए करते थे, उनका कोई स्वार्थ नहीं था इसमें। इसलिए पांडवों के पक्ष में रहने के बाद भी कोई उनको दोषी नहीं ठहराता था, सिवाय धृतराष्ट्र और दुर्योधन और उनके भाई दुर्योधन के भाई। परंतु कभी भी विदुर जी पीछे हटे नहीं। विदुर जी आगे चल के जब उनका जब विवाह हुआ, उनके बच्चे भी हुए, और वहीं पे रहे वो पांडवों के साथ में, कौरवों के साथ में। दुर्योधन विदुर जी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और जैसा कि तीसरे स्कंद के पहले अध्याय में हम देखेंगे, दुर्योधन ने विदुर जी को बाहर निकाल दिया कि आप यहां से निकल जाइए। और विदुर जी के हृदय में दुर्योधन के वचन तीर के समान चुभे। कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंत में जब भीमसेन और दुर्योधन के बीच में युद्ध हुआ, और भीमसेन के द्वारा दुर्योधन पराजित हो गया, गिर पड़ा नीचे जमीन पर, और मृत्यु के द्वार पे खड़ा था दुर्योधन, बस थोड़े समय की बात थी कि उसकी मृत्यु होनी थी, तो उस समय श्री कृष्ण दुर्योधन के पास आए और दुर्योधन से चर्चा करने लगे। और ये संवाद, ये बातचीत हुई कि दुर्योधन तुमने गलतियां कहां कहां की, कौन सी गलतियां की तुमने जिसके कारण आज तुम्हारी ये दशा है। और ये बातचीत के समय श्री कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन तुम्हें पता है तुम्हारी गलतियों में से एक बहुत बड़ी गलती ये है कि तुमने विदुर जी को अपने पक्ष में नहीं रखा, विदुर जी को तुमने बाहर निकाल दिया। बहुत बड़ी गलती हुई तुम्हारी, क्योंकि विदुर जी तुम्हारे साथ रहते तो अच्छी तरह से मार्गदर्शन करते, तुम्हें सलाह देते और तुम्हारा भला होता, पर अहंकार के कारण, अज्ञान के कारण तुमने विदुर जी का अपमान किया, उनको निकाल दिया, और इसलिए आज तुम्हारी ये दशा है। श्री कृष्ण भी विदुर को बहुत मानते थे, और निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो वास्तव में एक ही व्यक्ति थे जो कि कृष्ण की बराबरी कर सकते थे। एक दृष्टि से श्री कृष्ण की बराबरी कौन कर सकता है, परंतु लौकिक दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि ये लीला तो धरातल पे हुई थी, जिस प्रकार से श्री कृष्ण उपदेशक थे, सहायक थे, सलाहकार थे पांडवों के, और उन्होंने इस तरह से योजनाएं बनाई ताकि आगे चल के पांडव विजयी हुए, यदि कौरवों के पक्ष में उनकी मुकाबला करने वाला उनके समान ऐसे ही बुद्धिमान को व्यक्ति होता तो शायद कौरवों की इतनी बुरी दशा नहीं होती। तो एक ही व्यक्ति थे जो ऐसे हो सकते थे, वो थे विदुर जी। परंतु दुर्योधन ने उनको तो निकाल दिया घर से, तो ये बड़ी समस्या थी। तो ये चर्चा श्री कृष्ण दुर्योधन के साथ कर रहे थे दुर्योधन के मृत्यु के घड़ी में।
तो खैर अब ये चर्चाएं संक्षेप में सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय में करते हैं। बातों बातों में वो ये कहते हैं कि विदुर जी तीर्थ यात्रा से लौट के आ गए वापस हस्तिनापुर। ये उस समय की बात है जब युद्ध समाप्त हो चुका था। विदुर जी जब लौट के आए हस्तिनापुर तो पांडव विजय हो गए थे, युधिष्ठिर विश्व सम्राट बन गए थे। तो विदुर जी लौट के आ गए, युधिष्ठिर महाराज, धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और पांडव गण, बल्कि सारे प्रजा और महल में रहने वाले जितने भी लोग थे बहुत ही प्रसन्न हुए उनको देखकर। बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया और भूरी भूरी प्रशंसा युधिष्ठिर महाराज ने विदुर जी की उस समय। और फिर आगे सूत गोस्वामी संक्षेप में आगे की कथा भी बताते हैं कि कैसे समय बीतता गया और विदुर जी अधिक से अधिक समय धृतराष्ट्र के साथ बिताने लगे। युधिष्ठिर महाराज तो प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे विदुर को और सारी शक्ति विदुर जी को देना चाहते थे, लेकिन विदुर जी अब वृद्ध हो गए थे, थक गए थे अभी, और ये भी सोच रहे थे कि अभी मुझे आत्म साक्षात्कार का विचार करना है और मेरे प्रिय भाई धृतराष्ट्र की चिंता मुझे है। ये ऐसे ही इस राजमहल में आराम करते बैठा है, इसे कोई लज्जा नहीं है, कोई जीवन के ध्येय का ज्ञान नहीं है। तो इसलिए विदुर जी ने युधिष्ठिर का प्रस्ताव नहीं माना, धृतराष्ट्र को जाके प्रेम से उत्पन्न कटु वचन बोले। धृतराष्ट्र को उन्होंने प्रेरित किया कि धृतराष्ट्र घर छोड़ दो, अभी वैराग्य का जीवन उठाओ बिताओ अभी। तो चल पड़े धृतराष्ट्र। शायद पहली बार हुआ होगा कि विदुर की बात उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर मान ली और वहां से चल पड़े। गांधारी उनके साथ में आई, कुंती देवी भी साथ में गई और विदुर जी। और जब वहां से चले गए, युधिष्ठिर महाराज और अन्य पांडव बहुत ही विचलित हो गए। वहां पे आगे धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने अपना देह त्याग दिया। विदुर जी बहुत ही दुखी हो गए और फिर से यहां वहां तीर्थ यात्रा में वो निकल पड़े। अंततः प्रभास में उन्होंने अपना देह त्याग दिया। ऐसे 15वें अध्याय में पहले ही स्कंद के सूत गोस्वामी बताते हैं। अब ये सारी चर्चा बताई और ये भी बताया सूत गोस्वामी को नैमिषारण्य, सूत गोस्वामी ने ऋषियों को कि जब विदुर जी लौट के आए थे तो इसके पहले उन्होंने मैत्रेय मुनि के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण संवाद किया था। तो अब पहला स्कंद खत्म हो गया, दूसरे स्कंद में आके सूत सुखदेव गोस्वामी सृष्टि का वर्णन करते हैं, सृष्टि का सृजन किस प्रकार से हुआ, ब्रह्मा जी कैसे आए, ब्रह्मा जी ने सृजन कैसे की सृष्टि की। और नैमिषारण्य के जो ऋषि थे वो इन बातों को सुन रहे थे। सृष्टि लीला भी सुननी चाहिए, ठीक है चलिए, परंतु उनका मन पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी दूसरे स्कंद के अंत के तात्पर्य में बताते हैं। ऋषिगण सूत गोस्वामी के पास जाते हैं और उनसे तीन प्रश्न कहते हैं, पूछते हैं। वो कहते हैं कि हे मुनिवर, आपने हमें ये कहा था कि विदुर और मैत्रेय के बीच में एक संबंध हुआ था, एक संवाद हुआ था, तो अवश्य कोई बहुत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक विषयों की चर्चा हुई होगी। संवादोध्यात्म संश्रितः, वो संवाद अध्यात्म संश्रितः हुआ होगा, अर्थात आध्यात्मिक विषयों से भरा हुआ होगा, वो संवाद दिव्य हुआ होगा। वैसे जब दो महान भक्त आपस में बात करते हैं साधारण विषयों के बारे में तो बात करेंगे ही नहीं,
तो इस बात को भली भांति ये ऋषिगण जानते थे। तो उन्होंने कहा सूत गोस्वामी से कि मुनिवर कृपया हमें बताइए कि विदुर जी ने मैत्री मुनि से कौन से प्रश्न किए, ये उनका पहला प्रश्न था। और यही इसी श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तव में अभी ये ऋषिगण उत्सुक थे कुछ और दिव्य बातें सुनने के लिए। भौतिक सृष्टि की चर्चा तो हो चुकी, चलिए ये भी भगवान के द्वारा ही होता है, ये भी हमें सुन लेना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण विषय है। फिर भी ऋषियों का हृदय तरस रहा था कि और भगवान के बारे में हम सुने और दिव्य विषयों की चर्चा करें। तो फिर उन्होंने ये पहला प्रश्न किया कि विदुर ने मैत्रेय मुनि से कौन से प्रश्न किए। दूसरा प्रश्न था मैत्रेय मुनि ने उत्तर क्या दिए। और तीसरा प्रश्न कि विदुर जी घर छोड़ के क्यों चले गए और वापस फिर क्यों चले आए। और एक प्रश्न भी उन्होंने किया कि जब विदुर जी घर छोड़ के चले गए तो उन्होंने कौन से कार्य किए, वो कहां गए और उन्होंने क्या किया। तो सूत गोस्वामी ने धन्यवाद दिया ऋषियों को और कहा कि जो आपने प्रश्न किया है वही प्रश्न राजा परीक्षित ने भी सुखदेव गोस्वामी से किया था और मैं उसी संवाद को आपके सामने दोहराऊंगा। और इसके साथ श्रीमद् भागवतम का तीसरा स्कंध प्रारंभ होता है। और सबसे पहला अध्याय ही है विदुर द्वारा प्रश्न। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब विदुर जी ने अपने ऐश्वर्यशाली निवास स्थान को त्याग दिया और वह वन में चले गए तो उस समय उन्होंने मैत्रेय ऋषि से ये प्रश्न किया। अभी कौन से प्रश्न किए उन्होंने वो बताने जा रहे हैं। वो कहते हैं कि सुनो हे राजन, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, यद्वा अयम मंत्र कृत्वो भगवान अखिलेश्वरः। भगवान श्री कृष्ण जो कि अखिल ईश्वर है, समस्त सृष्टि के वो ईश्वर हैं, वो स्वयं पांडवों के आपके पूर्वजों के मंत्री बने। और इतना ही नहीं, प्रविशेष आत्मसात कृतम, आपके घर को उन्होंने अपना मान लिया और आपके घर में ही ऐसे आया जाया करते थे कि मानो वो अपने ही घर में आ रहे हैं और जा रहे हैं। परंतु दुर्योधन के घर में नहीं गए, पौरवेंद्र गृहम हित्वा, पौरवेंद्र अर्थात दुर्योधन, तो दुर्योधन के घर को त्याग के वो चले गए आपके घर में अर्थात युधिष्ठिर महाराज के घर में, आपके पूर्वजों के घर में। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। वो कहते हैं कि श्री कृष्ण ने पांडवों के घर को अपना घर माना। हम किसी घर को अपना घर कब मानते हैं, जब हम वहां संतुष्ट होते हैं, बहुत ही हम खुश होते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ सदैव प्रसन्न रहते हैं और पांडव तो उत्तम श्रेणी के भक्त हैं, तो भगवान श्री कृष्ण उनके निवास स्थान में प्रसन्न भले कैसे नहीं रहते। और जहां पे श्री कृष्ण संतुष्ट रहते हैं वही वृंदावन है, वही कृष्ण का निवास स्थान है और वो श्री कृष्ण से अभिन्न है, ऐसे प्रभुपाद जी यहां कह रहे हैं। तो फिर उनका घर भी धाम था, वृंदावन धाम से अभिन्न, क्योंकि श्री कृष्ण वहां पर इस तरह से आया जाया करते थे कि मानो वो उन्हीं का घर है। और यहां यह भी बताया हुआ है कि विदुर जी घर छोड़ के चले गए। अब दुर्योधन ने ऐसे कटु वचन कहे
इसलिए चले गए, ऐसे प्रतीत होता है। परंतु ये एक बाह्य उत्तर है। आंतरिक उत्तर का खुलासा प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में करते हैं। वो कहते हैं, देखिए विदुर जी एक महाभागवत है। महाभागवत जो होते हैं वो भौतिक संसार के कष्टों से इतना विचलित नहीं होते हैं, बल्कि वो ऐसे भौतिक कष्टों को आध्यात्मिक जीवन में आगे प्रगति करने के लिए बहाना समझते हैं। कभी कभी ऐसे विकट परिस्थितियों को वो स्वीकार करते हैं, कभी स्वागत भी करते हैं, जैसे कुंती महारानी ने किया था। तो दुर्योधन के शब्दों के कारण मात्र विदुर वहां से घर से नहीं चले गए, परंतु वो चाहते थे कि आगे मैं यहां से निकल पड़ूं। अब मेरी आयु भी बढ़ रही है, मुझे इस परम सत्य की खोज में घूमना चाहिए। आगे चलकर मैत्रेय मुनि के पास में जाऊंगा, उनसे मैं प्रश्न करूंगा और मुझे आत्मज्ञान, भगवत ज्ञान मिल जाएगा। तो इस तरह प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि विदुर जी के घर छोड़ने का कारण केवल दुर्योधन के वचन नहीं थे। वास्तव में जीवन में यदि सुख होता ना भौतिक जगत में, तो हम कभी भी भक्ति में नहीं आते। भौतिक जगत में थोड़ा बहुत दुख होना अच्छा है। कष्टों के कारण हमें पता चलता है कि ये भौतिक जगत हमारे लिए रहने के लिए योग्य स्थान नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी के गृहस्थ आश्रम में क्या कोई कष्ट नहीं हुआ? काफी कष्ट उनको हुआ, और उन्होंने इसे एक प्रेरणा का कारण समझा आध्यात्मिक जीवन में और आगे बढ़ने के लिए। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय और भी दृढ़ता से लेने के लिए, अपने गुरु महाराज के आदेशों का पालन करने के लिए। उसी तरह से हमारे जीवन में भी जब कष्ट आते हैं, हमें भी इसी दृष्टिकोण, इसी दृष्टि से देखना चाहिए। केवल यदि हम शिकायत करते बैठे, हम दुखी होकर हाथ पे हाथ रखे हुए बैठ जाएं, तो इससे हमारे जीवन का हित नहीं होगा। जैसे विदुर जी ने किया था, वैसे भी हमें करने के लिए कभी कभी तैयार होना चाहिए कि एक विकट परिस्थिति को बदल के, उसको परिवर्तित करके एक ऐसे परिस्थिति में बदल देना जो कि हमारे हित के लिए हो। ये बुद्धि है। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी जब बता रहे होते हैं तो राजा परीक्षित उनसे अब प्रश्न करते हैं। उनका प्रश्न ये है कि विदुर जी और मैत्रेय मुनि जब मिले थे तो वो कहाँ मिले, कब मिले, तो कृपा करके ये सारी बातें मुझे आप बता दीजिए। तो राजा परीक्षित बहुत ही आतुर थे इन सब बातों को सुनने के लिए, इसलिए सुखदेव गोस्वामी बहुत ही प्रसन्न हुए। देखिए जब श्रोतागण भी आतुर होते हैं ना सुनने के लिए, तो वक्ता को भी थोड़ा उत्साह होता है कुछ बोलने के लिए। वक्ता यदि देखे कि श्रोताएं सारे सब सो रहे हैं, किसी को रुचि नहीं है, कोई मोबाइल फोन देख रहा है, कोई उठ के जा रहा है, तो उसे लगता है कि अरे क्या है, हाँ, तो उत्साह नहीं आता उसे बोलने के लिए। और जो थोड़ा वो जानता भी है तो बोलना नहीं चाहता, फिर क्या लाभ ऐसे बोल के। लेकिन जब श्रोता आदर्श होते हैं और वक्ता भी आदर्श होते हैं, जैसे कि राजा परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी के साथ था, तो बस चमत्कार हो जाता है। भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट द्वारा एक पुस्तक का प्रकाशन हुआ है, आपने अवश्य पढ़ा होगा, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, परफेक्ट क्वेश्चंस परफेक्ट आंसर्स। तो इसी तरह से सुखदेव गोस्वामी और राजा परीक्षित के बीच में ऐसे ही संवाद चल रहा था। और आगे परीक्षित महाराज भी जानते हैं, जैसे नैमिषारण्य में एकत्र जो ऋषिगण थे वो जानते थे, परीक्षित महाराज ने भी कहा कि ये संवाद कोई साधारण संवाद नहीं हुआ होगा। वो कहते हैं, नहीं अल्प अर्थ उदयस्तस्य,
विदुरस्य तस्मिन् वरीयसी विदुरस्य अमलात्मनः। वो कहते हैं विदुर जी ये अमल आत्मन है, इनका हृदय पूरी तरह से अमल है, जिसमें कोई मल नहीं है, मल रहित है। मल अर्थात काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। जिस हृदय में ये सब चीजें नहीं है और जिनके हृदय में वास्तव में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम है, वो व्यक्ति अमल आत्मा कहलाते हैं। तो जब हम किसी संवाद को सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले पूछना चाहिए कि किन के बीच में हो रहा है। जब हम किसी से कोई बात सुनना चाहते हैं तो पूछना चाहिए कि कौन बोल रहे हैं। क्या कि कोई कृष्ण भक्त है या कोई ज्ञानी है, कोई कर्मी है, कोई क्या है। यदि भक्त न हो और कोई प्रामाणिक संप्रदाय से संबंधित न हो तो ऐसे व्यक्ति से हमें सुनने की कोई आवश्यकता तो नहीं है। परंतु यदि वक्ता बहुत ही योग्य हो तो फिर हमें आतुर होना चाहिए सुनने के लिए। तो परीक्षित महाराज जानते थे भली भांति कि विदुर जी कौन हैं, इसलिए कहते हैं विदुरस्य अमल आत्मनः। विदुर जी अमल आत्मा हैं, तो अवश्य उद्धव जी के बारे में वो तो जानते ही हैं, उद्धव जी कितने महान हैं। तो अमल ये शब्द कई बार भागवत में भी आता है। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानाम प्रियम। ये अमल पुराण है क्योंकि इस पुराण में कोई भौतिकता का मिलावट नहीं है। तो अमल आत्मन विदुर जी ये किस तरह के प्रश्न कर सकते हैं। अवश्य वो कहते हैं नहीं अल्प अर्थ उदयः। अल्प अर्थ अर्थात ऐसे कोई प्रश्न अवश्य उन्होंने नहीं किए होंगे जिनका कोई मूल्य नहीं है, जिनका कोई महत्व नहीं है, जिसको पूछने से कोई हित नहीं होगा। ऐसे कोई प्रश्न अवश्य नहीं किए होंगे विदुर जी ने, इतना तो निश्चित रूप से परीक्षित महाराज जानते थे। इसलिए शुरुआत में ही कहते हैं नहीं अल्प अर्थ उदयः। उदयः मतलब उन्होंने ऐसे बात सामने रखी ही नहीं होगी कि जिसका अर्थ या जिसका लाभ बहुत अल्प है, बहुत कम है या नहीं है। अर्थ शब्द के कई अर्थ होते हैं, उनमें से एक शब्द है लाभ या हित। तो विदुर जी अमल आत्मा होने के कारण ऐसे ही प्रश्न करेंगे अवश्य जो हित के लिए होंगे। इसलिए आगे कहते हैं तस्मिन् वरीयसी प्रश्नः। तो उन्होंने जो प्रश्न किए होंगे अवश्य बहुत ही अर्थदम ऐसे प्रश्न किए होंगे उन्होंने, जो अर्थपूर्ण है, जो वास्तव में श्रेयस से संबंधित है, प्रेयस से नहीं, जो हमारे वास्तविक हित के लिए है वो है श्रेयस। और जो केवल तत्कालीन सुख के संबंध में है वो है प्रेयस। तो विदुर जी के प्रश्न अवश्य श्रेयस हुए होंगे। श्रेयः हमारा अंतिम हित। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शाब्दे परिचनिष्णातम् ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में हम पढ़ते हैं कि हमें एक ऐसे व्यक्ति के शरण में जाना चाहिए जो कि भगवान के भक्त हैं, जो कि आध्यात्मिक स्तर पर स्थित हैं, और उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए। किसके बारे में? श्रेय उत्तमम। कोई संसार के वस्तुओं की चर्चा नहीं करनी चाहिए उनके पास जाकर। श्रील प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में बताते हैं कि आजकल एक समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए लोग किसी बड़े बड़े गुरुओं को स्वीकार करते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े गुरुओं के बीच में रह के उनका सम्मान या उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, इसलिए ऐसे गुरुओं को स्वीकार करते हैं। परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं गुरु स्वीकार करने का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए। जब तक व्यक्ति परीक्षित महाराज की तरह जिज्ञासु नहीं है श्रेय के बारे में,
आध्यात्मिक हित के बारे में, तब तक हमें किसी गुरु को स्वीकार नहीं करना चाहिए, चाहे वो गुरु ढोंगे गुरु हो या सही गुरु हो। गुरु के पास जाना ही नहीं चाहिए। तो परीक्षित महाराज अच्छी तरह से इस बात को जानते थे। तस्मिन् वरीयसी प्रश्नः साधु वाद उपब्रह्मितः। और ऐसे प्रश्न किए होंगे परीक्षित महाराज विदुर जी ने। परीक्षित महाराज कहते हैं साधुवाद, जिनकी मान्यता साधु समाज में अवश्य हुई होगी। देखिए, किसी भी विषय में यदि हमें जानना है कि कोई व्यक्ति अधिकृत बात कर रहा है या नहीं, तो उस क्षेत्र में, उस ज्ञान के क्षेत्र में जो प्रवीण हैं, उनसे पूछना चाहिए। जैसे समझ लीजिए गणित है, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं गणित में बहुत निपुण हूं, तो हमें दूसरे गणित जानने वालों से पूछना चाहिए कि भैया आप बताओ इसे गणित आता है या नहीं। हमें यदि गणित नहीं आता हो तो हम कैसे चयन कर सकेंगे, समझ सकेंगे कि इसे वास्तव में गणित आता है या नहीं। ठीक उसी तरह से आध्यात्मिक क्षेत्र में भी क्या उचित है, क्या अच्छा है, क्या सही है, क्या उपयुक्त है, ये सब जानने के लिए हमें साधुवाद, साधु समाज, जो भक्तों के समाज में जाना चाहिए। भक्त लोग क्या कह रहे हैं पहले जान लेना चाहिए। यदि भक्तों की, महान आचार्यों की सहमति हुई इससे, तो फिर उस बात को हम मानते हैं। इसलिए गुरु, साधु, शास्त्र, ये तीन चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। जो गुरु कहते हैं वो साधु और शास्त्रों को भी कहना चाहिए। जो शास्त्रों में लिखा है वही गुरु और साधु कहेंगे। इस तरह से हमें तालमेल करके समझ लेना चाहिए। और जब ऐसे साधु समाज में मान्यता होती है किसी विषय की, किसी प्रश्न की, किसी उत्तर की, तब हम जान सकते हैं कि ये प्रामाणिक प्रश्न है, प्रामाणिक उत्तर है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा ये गुरु साधु शास्त्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मनमाने ढंग से हम कोई बात नहीं कह सकते। जो जिसमें, जिस बात की मान्यता गुरु साधु शास्त्र में है, बस वही हम कर सकते हैं। साधु वर्तमान वर्तनम। वैसे भक्ति रसामृत सिंधु में 64 साधन भक्ति के अंगों का उल्लेख करते हुए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि हमें पूर्ववर्ती साधुओं के पदचिन्हों में चलना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए। अनुकरण नहीं कर सकते, परंतु अनुसरण करना चाहिए, आदेशों का पालन करना चाहिए। और तुरंत फिर बाद में कहते हैं सद्धर्म परीक्षा, सद्धर्म के बारे में परीक्षा अर्थात जिज्ञासा करनी चाहिए। साधारण प्रश्न नहीं, सत धर्म के, सत अर्थात जो शाश्वत है, शाश्वत धर्म के संबंध में हमें प्रश्न करने चाहिए। श्रेयस परीक्षित महाराज, देखिए ये तीसरा स्कंद है, दूसरे स्कंद में उन्होंने कई प्रश्न किए हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न उनका यही था कि मृत्यु के द्वार पर खड़े होने वाले व्यक्ति का कर्तव्य क्या होना चाहिए। तो वो जानते थे कि किस तरह के प्रश्न पूछने चाहिए। देखिए प्रश्न पूछना, इसके लिए भी ज्ञान चाहिए। किस तरह के प्रश्न हमें पूछने चाहिए, परीक्षित महाराज हमें सिखाते हैं कि योग्य प्रश्न कौन से हैं। और सुखदेव गोस्वामी हमें समझाते हैं योग्य उत्तर कौन से हैं। तो परीक्षित महाराज ने इस प्रकार से तीन चीजें कही विदुर जी के बाद, चार चीजें। एक कि वो अमल आत्मन है, इसलिए न अल्प अर्थ उदयः, उनके जो प्रश्न हैं कभी ऐसे वैसे छोटे मोटे प्रश्न नहीं हो सकते जिनका कोई लाभ नहीं है। तीसरा वरीयसी प्रश्नः, अवश्य उनके प्रश्न बहुत ही लाभदायक हुए होंगे, अर्थदम हुए होंगे। और चौथी बात साधुवाद, अवश्य उनके प्रश्नों की मान्यता
और स्वीकृति साधु समाज में हुई होगी। प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में कहते हैं कि अलग अलग मनुष्यों के वर्गों में प्रश्नोत्तर की भी श्रेणियां अलग अलग होती हैं। व्यापारियों के समाज में भी प्रश्नोत्तर होते हैं, कितने में माल बिकेगा, कितने में खरीदेंगे। तो ये जो प्रश्नोत्तर हैं, इनका स्थान अपना है। ठीक है, संसार में जीने के लिए कभी कभी ये सब करना पड़ता है, परंतु श्रेष्ठ प्रश्नोत्तर का वर्ग कौन सा है, वो ये है जो कि परीक्षित महाराज ने यहां दिखलाया है। और परीक्षित महाराज एक आदर्श शिष्य हैं, ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जो कि एक तरुण थे, केवल 16 वर्ष के थे, परंतु सुत गोस्वामी कहते हैं सुबहुवित, बहुवित अर्थात सुबहुवित, वित अर्थात जानकार। सुबहुवित शब्द का अर्थ है जो अत्यधिक अनुभवी है। अभी हम पूछ सकते हैं कि 16 वर्ष का लड़का कैसे अत्यधिक अनुभवी हो सकता है? जब तक बाल पकते नहीं है तब तक हम मानते हैं कि व्यक्ति अनुभवी नहीं होगा, परंतु आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए केवल शरीर की आयु का महत्व नहीं है। सुखदेव गोस्वामी केवल 16 वर्ष के युवक थे, फिर भी आत्म साक्षात्कारी थे। यहां तक कि जब उस स्थान में सुखदेव गोस्वामी प्रविष्ट हुए जहां की राजा परीक्षित संतों के साथ में बैठे हुए थे, सभी लोग खड़े हो गए। सुखदेव गोस्वामी को दूर से देखकर ही सभी लोग पहचान गए कि ये आत्म साक्षात्कारी है। केवल नारद मुनि और व्यासदेव जो उनके परम गुरु और गुरु थे वो नहीं उठे, अन्य जितने सारे ऋषि मुनि थे सारे के सारे उठ गए और व्यासासन पर उन्हें बिठाया। हालांकि नारद जी वहां थे, परशुराम जी थे, व्यासदेव जी थे, उनको नहीं बिठाया व्यासासन के ऊपर, उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को बिठाया, क्योंकि पूर्व जन्म से उनकी आध्यात्मिक ज्ञान चलती आई थी इस जन्म में। इसलिए सुत गोस्वामी यहां कहते हैं सुबहुवित। और इस तरह से सुत गोस्वामी ने फिर कहा कि अभी मैं आपको बतलाऊंगा कि सुखदेव गोस्वामी ने क्या उत्तर दिए राजा परीक्षित को। यदि आपको भी सुनना है कि सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर क्या दिया, तो आपको इसी समय इसी स्थान में कल आना होगा। और शुरुआत से हम प्रारंभ करेंगे सुखदेव गोस्वामी के उत्तर से। आज पहला दिन था, केवल मात्र एक पृष्ठभूमि आपके सामने हमने रखी, और धीरे धीरे से अभी आगे चलते हुए हम जहां तक पहुंचेंगे 7 दिनों में देखते हैं। ये प्रसंग जो है विदुर और उद्धव का संवाद का, ये इसके पूरे 4 अध्याय हैं, परंतु जिस गति से हम जा रहे हैं मुझे नहीं लगता कि हम 7 दिन में समाप्त कर पाएंगे। परंतु जो भी हो, जहां तक भी हम पहुंचे, भागवत भागवत ही है, तो जितना भी हम बोले और सुने ये तो श्रीमद् भागवत की कथा होने के कारण अवश्य हम सबके लिए लाभकारी होगा। तो आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए और इतने ध्यानपूर्वक आपने इस कथा का श्रवण किया, आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और कल आपसे हम शाम को फिर से मिलेंगे। विमा प्रभु, हरे कृष्णा, थैंक यू। सो वी विल स्टॉप फॉर टुडे विद योर परमिशन। तो भीमा प्रभु के आदेश के अनुसार हम यहाँ पे आए, उन्होंने हमें कहा कि आपको यहाँ आना है, तो भीमा प्रभु के बातों को कौन मना कर सकता है। तो आए, तो धन्यवाद भीमा प्रभु कि आपने हमें अवसर दिया यहाँ आप सबके बीच में कुछ कृष्ण कथा करने के लिए। और भद्र पूर्णिमा के उत्सव की तैयारी में आप सब अवश्य रहिएगा। तो अभी 5 मिनट बचे हैं, यदि आप में से कोई आज के कथा के विषय में कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो अवश्य आप पूछ सकते हैं, एक माइक आपके पास आएगी वहाँ पर।
हाँ जी जिज्ञासुओं के बीच में आके रहेंगे तो हम भी जिज्ञासु हो जाएंगे। किसी भी चीज को यदि हमें चाहिए तो उस स्थान में जाना चाहिए जहां पे वो उपलब्ध है। तो भक्तों के समाज में सारे भक्त आतुर होते हैं कृष्ण कथा सुनने के लिए, आध्यात्मिक प्रश्नों को पूछने के लिए, सुनने के लिए उनके उत्तर। तो सत्संग में यदि हम आते रहें तो फिर अवश्य हमारे मन में भी वो जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी। और यदि कोई बात नहीं, यदि हमारे मन में ऐसे कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं भी हुआ, परंतु हम श्रद्धा से धीरज रख के कथा या प्रवचन सुनते हैं और श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ते हैं और साधन भक्ति के अन्य अंगों का पालन करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी प्रगति होगी। और कोई प्रश्न है? हाँ जी, माइक ऑन। हरे कृष्ण। फिर भी आप आए हैं, है ना? महाप्रभु जी नम्र हैं, इसलिए कहते हैं कि क्या फायदा होगा। परंतु अवश्य औषध अपना काम करेगा। ये औषध ऐसा है, ये दवाई ऐसी है जो हम कानों के द्वारा ग्रहण करते हैं और ये हृदय में जाकर अपना काम करता है। और जितने ध्यान से हम श्रवण करेंगे उतना ही लाभकारी वो औषध बनेगा। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं प्रथम स्कंद में कि जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं तो हमें ध्यान से सुनना चाहिए। अंग्रेजी में वो कहते हैं रैप्ड अटेंशन, ध्यान पूर्वक एकाग्र चित्त से हमें सुनना चाहिए। और ऐसे जब हम सुनेंगे तो अवश्य हमारे हृदय में जितने भी कलमश हैं वो क्रमशः मिट जाएंगे। यस्याम वैश्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। ये श्रीमद् भागवतम का सिद्धांत है कि जब हम केवल श्रद्धा से सुनेंगे हमारे हृदय में भक्ति उत्पन्न होगी, शोक मोह और भय नष्ट हो जाएगा। एक बार ऐसे कोई दार्शनिक तत्व के ऊपर जो श्रीमद् भागवत का विषय था उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, तो एक भक्त हमारे पास बाद में आए। उन्होंने कहा कि महाराज आप ये कथा देते हैं, फिलॉसफी दर्शन आदि बोलते हैं, ठीक है अपनी जगह में, लेकिन हम कुछ प्रैक्टिकल बातें सुनना चाहते हैं, आप कोई प्रैक्टिकल बातें क्यों नहीं कहते हैं? तो हमने उनसे कहा कि बैठ के सुनना बहुत प्रैक्टिकल बात है,
कितने लोग कर सकते हैं? आधे घंटे में मन चंचल हो जाता है, उठने का मन करता है, मोबाइल फोन को देखने का मन करता है, यहां वहां मन भटक जाता है। कोई आसान बात नहीं है ये, बल्कि हृदय स्वच्छ करना ही तो उद्देश्य है और श्रवण करके ही तो ये हृदय शुद्ध हो सकता है। तो इससे बढ़िया प्रैक्टिकल बात और क्या हो सकती है? इसलिए हमें ये नहीं सोचना है कि जब हम श्रवण करते हैं बैठ के तो इसका कोई लाभ नहीं हो रहा, निश्चित हो रहा है। वो अपना काम कर रहा है, वो औषध अपने हृदय में काम कर रहा है, परंतु और तीव्रता से हमें करना चाहिए। और हाँ, भागवत में ये भी कहा गया है कि हमें सेवा भी करनी चाहिए। श्रवण के नाम पे ऐसा ना हो कि हम सेवा नहीं करें। शुश्रूषोषधानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान् महत् सेवया विप्रः पुण्य तीर्थ सेवनात्। विशेष रूप से वैष्णवों की सेवा करनी है तब वासुदेव की कथा में रुचि उत्पन्न होगी। सुन सुन के रुचि उत्पन्न होती है तब हम जान सकते हैं कि हम भक्त बने हैं। तो इसलिए चाहे हमारा मन विरोध करे या न करे, मन माने या न माने, भक्तों के संग में आके हमें श्रवण करने का अभ्यास करना चाहिए, एक आदत बना लेनी चाहिए। और अपने आप देख लेना चाहिए कि मैं जब बैठू हूं तो जब तक प्रवचन समाप्त हो मैं उठू नहीं, एक संयम अपने आप में बना लेना चाहिए। यदि समय से बहुत अधिक प्रवक्ता गए तो वो अलग बात है, क्योंकि अपनी अपनी सेवाएं भी रहती है मंदिरों में। परंतु ध्यान से यदि अंत तक हम बैठे तो फिर इसका फल बहुत ही मीठा होगा आगे चल के। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो भीमा प्रभु का प्रश्न ये है कि संवाद तो विदुर और उद्धव जी के बीच में हुआ, परंतु जब श्रवण करने की बात आई तो उस समय विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से प्रवचन सुना, उनके प्रश्न मैत्रेय मुनि को किए और मैत्रेय मुनि ने उनके उत्तर दिए। ऐसा क्यों? आगे चल के इस बात का खुलासा होगा, परंतु संक्षेप में इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि उद्धव जी ये विदुर जी के तुलना में बहुत कनिष्ठ थे संसार के दृष्टि से, हालांकि आध्यात्मिक दृष्टि में तो बहुत आगे पहुंचे हुए थे, परंतु संसार के दृष्टि में उनकी उम्र कम थी। उद्धव जी के लिए तो विदुर जी न केवल पिता, परम पिता के समान थे, तो इसलिए ये मर्यादा का व्यतिक्रमण हो जाता, ट्रांसग्रेशन ऑफ एटिकेट, कि हम इतने कनिष्ठ हैं और ये इतने वरिष्ठ हैं, ये हमसे प्रश्न पूछें और मैं उनके प्रति एक गुरु का स्थान लेकर उनसे उनको उपदेश करूं, ये ठीक नहीं, ये शोभा नहीं देती बात। और पास में जब मैत्रेय मुनि बैठे हैं जो कि वरिष्ठ हैं, विदुर जी के तुलना में भी वरिष्ठ हैं, क्योंकि मैत्रेय मुनि जो हैं वो पराशर मुनि के संबंधी है जो कि व्यासदेव जी के पिता थे, और व्यासदेव जी इनके पिता थे विदुर जी के, तो काफी वरिष्ठ हैं मैत्रेय मुनि। तो उद्धव जी ने सोचा और कहा कि जहां तक आपके प्रश्नों के उत्तर देने का की बात आती है तो कृपया आप मैत्रेय मुनि के पास जाइए जो कि निकट ही यहां पर बैठे हुए हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि ये वैष्णव मर्यादा है कि जब कोई व्यक्ति हमसे कुछ प्रश्न करता है और हमसे कोई वरिष्ठ है तो हमें नहीं कहना चाहिए, हमें बात नहीं करना चाहिए, हमें वरिष्ठों तक पहुंचाना चाहिए।
उनके सामने हमें, वरिष्ठों के सामने हमें नहीं बोलना चाहिए, ये एक मर्यादा है। तो उद्धव ने सोचा कि ये मर्यादा व्यतिक्रमण मुझसे नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने फिर विदुर जी को मैत्रेय मुनि के पास भेज दिया। हाँ, हरे कृष्ण। स्पष्ट बोले, मुझे सुनाई नहीं दिया प्रश्न, थोड़ा माइक तो। हाँ हाँ, अच्छा 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 अच्छा। तो प्रश्न ये है कि जब भद्र पूर्णिमा के दिवस पर भागवत को दान में देने से हम वैकुंठ जगत में चले जाएंगे, तो ये सब बाकी जो चीज़ें हैं, जप करना, सुबह मंगल आरती में उठना और चार नियमों का पालन करना, और ये वो सब क्यों करना चाहिए? भद्र पूर्णिमा की प्रतीक्षा करनी चाहिए, भागवत हम दान में दे दो और खत्म हो जाओ, चले जाओ, यही प्रश्न है। देखिए, ऐसे विषयों के बारे में आचार्यों ने काफी व्याख्या की हुई है। कई बार ऐसे शास्त्रों में हमें पढ़ने में आता है, जैसे जगन्नाथ रथ यात्रा में आप खींचेंगे रथ को, आप भगवान के धाम में मुक्त हो जाएंगे। भाई, इतने सालों से हम खींच रहे हैं, कभी कोई हुआ नहीं, कोई कहते हैं भक्त, हाँ, तो क्या फिर ये अतिशयोक्ति है? तो नहीं, अतिशयोक्ति नहीं है। जीव गोस्वामी पाद कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के तात्पर्यों में, उनकी टीका में, ये अतिशयोक्ति नहीं है। कई बार ये सही हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए, परंतु सब लोगों के लिए एक बार सही होगा ऐसे नहीं है। ये प्रेरणा स्रोत है कि हम ये सब करें, पहली बात। दूसरी बात, जब श्री प्रभुपाद जी को ये प्रश्न किसी ने किया था कि जगन्नाथ रथ खींच के हम मुक्त हो जाएंगे, तो प्रभुपाद जी ने सुंदर उत्तर दिया था कि ऐसे करने से वैकुंठ जगत के द्वार खुल जाते हैं। पहले जो ताला था ना, वो ताला खुल जाता है, दरवाजे खुल जाते हैं, अब हमें चलना है उस रास्ते पे। और चलने का मतलब है कि हम अन्य अब साधन भक्ति के अंगों का पालन करें, जैसे जप है, कीर्तन है, सेवा है, बहुत कुछ करते रहे। तो जब हम ऐसे श्रीमद् भागवत का दान भद्र पूर्णिमा के दिवस पे करेंगे, तो इसका मतलब है कि हमें भक्ति में बहुत लाभ मिलेगा, हम वैकुंठ जगत के रास्ते में और आगे प्रगति करेंगे, हृदय का शुद्धिकरण होगा और भक्ति में रुचि आएगी हमें, श्रीमद् भागवतम की कृपा हमें मिलेगी, ये तात्पर्य है इसका। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, तो अब समय हो गया, 9 बज गए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।